तो जय माता दी जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि हम यहाँ पे कनक कैसे बीजते हैं। कनक यानी कि गेहूँ। मैं मेथी खा रही हूँ, मेथी मुँह में डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि वायु वायु जो होता है ना, थोड़े से दाने ये वो काट देती है, क्योंकि मुझे सोजिश वगैरह रहती है ना मुझे, तो उस वजह से। तो चलो चलते हैं खेत में, और खेत थोड़ा सा साफ़ करने को रहा हुआ है, घास रहा हुआ वहाँ पे काटने को, तो वो काटते हैं। फिर ट्रैक्टर आ गया है, देखते हैं हमारे खेत में कब तक पहुँचेगा। चलो पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में, और ये देखो गुम्बर ही गुम्बर है, इनको इकट्ठा कर लिया है। ये गुम्बर हैं, और ये देखो ये खाली करने को रहा हुआ है, कुछ इस साइड है और कुछ मोटा मोटा परली साइड है। तो देखिए लोगों के खेत हैं, और पता भरोसे के साथ कोई भी आदमी हमारे पास अपनी चीज़ सौंपता है, और मेरे अपने चाहे बीजने को रह जाए, अपने जोतने को रह जाए, पर मैं इन खेतों की ना बहुत केयर करती हूँ। आगे फिर कोई जो मर्जी बोले, अपने मन को विश्वास होना चाहिए। तो अभी मैं सोच रही थी बस इनको खाली करके ना, इनको अच्छी तरह से बुआई करवाऊंगी ट्रैक्टर से इनकी, ताकि बाद में जब उनमें मुझे छोड़ने होंगे, जब मुझे उनको सौंपने होंगे, तो इनमें जो है फालतू का खर पतवार या जूब वगैरह जमती है खेतों में, वो उनको ना मिले। क्योंकि इन्हीं दो ही खेतों का ना, मतलब कम से कम 1500-2000 रुपया, 1800 इसका लगा था पिछली बारिश वाले खेत का, 2000-3000 रुपया इन दो खेतों का लगता है छोटे ट्रैक्टर से, बड़े से थोड़ा कम लगता है। तो चलो अभी मैं काट लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलूंगी, है ना। तो बस घास काटने काट भी साथ साथ में खाली कर रही थी, और ये देखो ये जो गुम्बर होते हैं ना, वो उनको हमने साइड में रखा था, तो वो सूख गए थे, और इसलिए जो ये ना मैंने इनको आग लगा दी थी। और इस टाइम मेरी ना इतनी थकान हो रही थी ना मेरे को, इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। तो मेरे को साथ में जला भी रही थी, और जो सीत बोलते हैं हम, भीड़ सीत बोलते हैं, जो खेत में साइडों साइडों में होता है ना जगह होती है, तो उसको सीत भीड़ सीत बोलते हैं। तो ये देखिए साथ में जला भी रही हूँ साथ साथ में, और साफ भी कर रही हूँ इसको। आज मतलब पूरा दिन जो मैं सुबह की गई हूँ ना 10 बजे की खेत, वो मैं आपको भी पूरा बताऊंगी, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। सात कितने बजे, 6 बजे वापस आई मैं खेतों से। ये देखिए, और इतने कांटे थे ना यहाँ पे कि पूछो मत, बहुत ज्यादा। तो खन्नी के पापा थे वहां पे, मैंने अकेले, मुझे ना अकेले सारा काम पड़ा। वो गए थे उधर क्रिया, मैंने बताया था ना आपको कि हमारे गांव में क्रिया 13वीं है आज, जो जो जिस बुजुर्ग की हमारी डेथ हुई थी ना गांव में, तो उनकी 13वीं है आज। तो वो वहां पे गए थे, और बच्चे स्कूल थे, तो मैं अकेले भाग भाग के दौड़ दौड़ के, बस पूछो ही मत मेरे जो हालात हुए थे ना। खेत बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए ना, तब मजा आता है फिर। अब कनक मतलब कनक का जो खेत होता है गेहूँ का ना, वो बिल्कुल मुलायम और वो चाहिए। तो ये देखिए, ये मैं सूखा बिंडा लेके आई थी यहाँ नीचे से, और ऐसे तो नहीं जलने थे ये गुम्बर, ये इस मतलब गिल्ले थे। तो ये सूखा जो घास है इसको नीचे लगा के, और फिर इसमें आग लगा के, उसके बाद फिर जो इसमें थोड़ी बहुत फिर भी रह गए थे जलने को, उनको मैंने साइडों में फेंक दिया था, क्योंकि उनको मैं बाद में इकट्ठा करके फिर से आग लगा दूंगी। तो ये ऐसी होती है गाँव की जो ज़िंदगी होती है ना, वो मतलब ऐसे अच्छी भी है, लेकिन पता है आपको जब शरीर थकता है ना, तो शाम को ऐसा होता है कि हमने मतलब हिला भी नहीं जाता, टांगे बाजू बिल्कुल नहीं हिलते, इतनी थका। दिन में तो चले रहते हैं, ठीक है चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, लेकिन बाद में ना आप पूछो मत कितना ज़्यादा हालात खराब हो जाते हैं। Bye.
1:15 हो गए, गायों को पानी नहीं पिलाया है, मेरे मुंह में सोजिश, और मैं अब घर जा रही हूँ। मेरे को पता कितने सारे गुम्बर लगे हैं, एक कपड़े ना देखो सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये देखो ये सारे गुम्बर लगे हैं मेरे को, देखो बाजू में भी, इनको तालने में ना पूरे 2 घंटे लगेंगे, ये देखो ये देखो। और ऐसे चुभ रहे हैं ना जैसे सुइयां नहीं चुभोते, उस तरह के चुभ रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। अभी मैं घर जा रही हूँ, मुझे खाना खाना है, फिर मैं फिर से खेत में आऊँगी, ठीक है। ये देखिए 3:30 बजे ट्रैक्टर जो है खेत में आ चुका है। तो ये देखिए ऊपरली साइड, ये ऊपर वाला ना मैंने बिल्कुल साफ कर दिया था खेत, तो अभी बस नीचे वाला बचा था, तो उसमें मैं घास भी काट रही थी साथ साथ में, और उसके बाद जो है ये ऊपर वाला, मतलब ऐसा होता है ना कि एक एक दो बार ना एक एक बार ऐसे ही जोतना पड़ता है, तो मैंने ना दो दो बार जितवाया, बिना बीज नहीं मैंने डाला था अभी। मैंने उसको बोला कि भाई इसको ना दो दो बार इसमें ना ट्रैक्टर फेर दो, क्योंकि फिर खेत खुल जाता है, नरम हो जाता है, और जो मिट्टी के जो टीम में जिसको बोलते हैं मोटे मोटे गट्ठे वो नहीं रहते, फिर अच्छा बीज उपजा। तो मैं इसको खाली कर रही थी, ये देखो ये छोटा मोटा जो बचा था ना हरा घास है, किसी को बोला था वो तो लेके नहीं गए, तो मैंने उनके सारे खेत खाली कर दिए थे, उनके रह गए थे, तो उनको कुछ काम पड़ गया होगा उनसे नहीं वो खाली, तो फिर मैंने खुद करे ये खाली, अपना खेत भी करा उनके भी करे, और अपना बाजू बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं सच्ची में। अब एक दिन का काम वहाँ पर फिर से रह गया है। तो ये देखिए इस बार ना मैंने अच्छी तरह से इसको बुआई करवाई, अच्छी तरह से बोलते हैं जिसको। ये देखिए इस टाइम अभी भी खेत खाली नहीं हुआ है मेरे से, लेकिन काफ़ी खाली हो चुके हैं, ऊपर वाला बिल्कुल खाली था। तो देखिए अभी हम इसको अच्छी तरह से मतलब वो करेंगे, ये बड़े बड़े खेत है ना, इनमें ट्रैक्टर अच्छी तरह से चलता है, खेत खुल जाता है मतलब। तो अभी अनी के पापा जो लेके आ रहे हैं कणक, और उससे पहले हम 2-3 बार इनको ना ऐसे ही वो करेंगे। पहाड़ों में ना इतना अच्छा लगता है ट्रैक्टर चलते हुए, और इस बार मैंने बोला कि भैया इनको ना अच्छे से जोत देना, खेतों के ना बुरे हाल है, ये देखो। वैसे मैदानी इलाकों में आते हैं, पर ये भैया ना बहुत अच्छे हैं, और ये जो है पहाड़ी इलाकों में भी ना बड़ी अच्छे से जोत देते हैं। पर खतरा रहता है हमारे पहाड़ों में। मैंने इनको बोला कि टाइम की परवाह नहीं, आप करना, आप इनको अच्छा 2-3 बार इनको जोत देना ना, अच्छे से खुल जाएंगे फिर खेत ना, तो अच्छी पैदावार होती है। तो ये देखिए अभी ये वाला खेत है, बस खाली हो ही गया अब। तो सर बोल दे डाई, ये देखो अनी के पापा आ गए यहाँ पे कणक लेके, ये देखो माँ को कोर दवाने ना जी। और अभी मैंने ले ली ये कणक, ये देखो कणक ले ली अभी। अभी मैं क्या बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको कि ऐसे आहिरते हैं हमारे, आहिर ना मतलब फेंकते हैं कणक कैसे। एक मिनट मैं फोन पकड़ा लूँ किसी को ना। तो हाँ जी ले जाए ना, अपने करोगे ले जाए ना, क्या चाकने ले जाए ना, वो बहुत तेती देवर जी। इस खेत में ना पहले कभी आलू बीजते थे, और आज यहाँ पे बहुत सारे आलू निकल रहे हैं, ये भी ये देखो यहाँ पे ना कभी आलू बीजे थे जिनके ये खेत है, और उसके बाद ना यहाँ पे आलू निकलते ही रहते हैं, ये देखो कितने सारे आलू मतलब हर बार निकल जाते हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े कुछ भी है, ये देखो। अरे वाह भाई इनकी बहुत टेस्टी सब्जी बन, ये देखो कितने सारे आलू,
और ये यहाँ पे ना कणक रखी है मैंने, ये मैं भी खेत में ये करूँगी। ये देखो तो बस अब हो गया, और अब एक खेत हो गया बिल्कुल साफ बीजा आयरने को, आयरने का मतलब बीजा डालने को, बीज डालने को, बीजा बोलते हैं हमारे तो हिंदी में बीज बोलते हैं, तो गेहूं का बीज डालने को जो एक खेत अब ये ठीक हो गया। अब इसमें मैं ये देखिए, पता इतना थकान हो चुकी थी ना कि बाजू में नहीं पकड़ा जा रहा था तसला, तसला लेके आना पड़ता है, उसमें कनक डालते हैं बोरियों से भर के, और फिर उसके बाद जो है ऐसे खेतों में आते हैं, एक सिरे से लगते हैं और दूसरे सिरे तक, और भगवान का नाम लेके। और बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जब भी कोई बीज डालते हैं खेतों में तो लड़ना नहीं चाहिए, ऊंचे बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शांति से बीज डालना चाहिए, तब जो अच्छा होता है। भगवान जाने, माता रानी जाने, आप सभी बहुत सारी दुआ करना कि मेरे खेत में ना बहुत सारी कनक हो, और हम बहुत मेहनत करते हैं इसी लोभ में कि हर साल की चलो अब की बार कुछ होगा, तो वो फिर कुछ जंगली जानवर खा जाते हैं कुछ, और फिर वो फिर होता कुछ नहीं। कितनी मेहनत होती है आप देख रहे हैं, सुबह से हम लगे हैं और ये टाइम होने को आ गया, यानी कि अभी तो 4 बज गए थे, तो चले बाजू चले हुए हैं, टांगे चली हुई है, मतलब चल ही रहे हैं, एक मिनट का भी वो नहीं है रेस्ट, और बाद में क्या निकलता है, कुछ नहीं। बस हो गया ख़त्म बीज के खेत, और मैं ना गुम्बर ताल रही थी इतने, एक बार मैं ताल दिए थे मैंने जब मैं घर गई थी खाना खाने, और अब ना फिर से लग गए इतने सारे गुम्बर, इतने ख़राब हो जाते हैं कपड़े, स्लीन के कपड़ों में नहीं लगते गुम्बर। तो ये देखो आज मैं बहुत बिजी थी, और अभी मुझे ना काऊ शेड जाना है, और ऊपर से हो गया अंधेरा, मुझे गाय दूनी है अभी पार जाके, तो चलो मैं बताती हूँ आपको, बस लास्ट रहा अब और मैं भी निकल जाऊँगी अब। तो यहाँ पे हो गए ट्रैक्टर वाले भैया को 2-2.5 घंटे हो गए कंटिन्यू, बुरे हाल थे इन खेतों के, सख्त थे और चारों तरफ से खड़ने को था, और अब ना मेरे बस अब पता नहीं है, बस ये काम था एक ज़्यादा ना, अब ये हो गया अब कंपन जैसी हो गई सारे शरीर में। जा रहा है अब? नहीं अभी नहीं जा रहा है। जा रहा है शायद, नहीं अभी नहीं है, हाँ अब तो चल पड़ा मेरे ख्याल में, बीज जोत दिया इसने, ये बना खेत। ये देखो इस साइड ना बड़ा अच्छा, इस साइड ना मैंने बिल्कुल साफ कर दिया था, ये देखो इस साइड ना बिल्कुल साफ हो गया था, तो देखो कितना मतलब एक बराबर हो गया है ना, और जहाँ पे थोड़ा सा ना ये बीच में रह गया था घास काटने को, और चला गया ना मेरे ख्याल में, तो चला गया कि रह गया, हाँ चला गया अब, तो मैं तो यहाँ वेट कर रही हूँ। और उतर गया भाई, मैं सोच रही थी अभी फिर से आएगा इधर को, अब कहाँ आएगा, अब तो हो गया ख़त्म, फ़ोन हिल रहा होना क्योंकि मैं बीच खेत में से जा रही हूँ ना, तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल, पर मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा भाई। और अभी ना थोड़ा बहुत कुदाली का काम रह गया यहाँ पे, ये देखो छोटी मोटी जो ये है ना, छोटे मोटे जो ये, ये देखो भैया कितना टाइम हुआ, रुको कितना टाइम हुआ 2 घंटे, अच्छा क्या घंटे के कितने भैया घंटा 900 वे, अच्छा ठीक है पैक दे पर उन दो के चलो मैं हम गाड़ी के जाइय ना, और सुनो उन दे आऊ ना, जानो ना मार कर जानो ना, हाँ ये क्या लगाना ट्रैक्टर भाई लड़ा जो
और ये देखो यहाँ से ना उतरना, अब ये यहाँ से मोड़ देंगे। बाई लेना बा, जू चलो हो गया हमारा खेत। चलो अभी मैं वीडियो का यहाँ पे एंड कर रही हूँ और कुछ नहीं। अभी देखो धुंधला धुंधलापन फोन के कैमरे में कुछ हो सकता है। एक सेकंड, ओ मेरा वो गिर गया, दूसरा फोन गिर गया। आज इतनी थकावट हो गई ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत थका थका शरीर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज तो काम भी हुआ ना बहुत ज़्यादा। बहुत बड़े खेत वो खाली किए, बस अब ना अपने खेत नहीं, इसको बोलते हैं बासंदे रखना भाई, जैसे एक फसल परले वाले जो लोगों के ना, उनको तो मैं हमेशा वो करती हूँ ट्रैक्टर से, क्योंकि वो लोगों के ना वो ख़राब नहीं होने चाहिए। अपना तो ऐसा है कि साल नहीं जुता गया तो अगले साल कर लेंगे। तो बस अब कणक कर दी हमने, अब मैं कहीं जौ बीजूंगी, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से जौ बीजने मेरे को छोटे से कोल्ले में। और मैं वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सजेशन दी है कि ये करो वो करो, ये हो सकता है, मेरे को पीलिया, मैंने सबके कमेंट पढ़े देखेंगे। और ना यहाँ पे लोगों का घास है, ये मैंने ख़रीदा है नज़दीक नज़दीक ना, अभी मैं पुराने काऊशेड की तरफ, नए काऊशेड की तरफ जा रही हूँ। तो चलो ये वाला घास भी मैंने लिया है, और ये वाला नीचे वाला, ये दीदी है ना एक, वो रहते हैं शिमला चंडीगढ़ रहते हैं वो, तो उनसे ख़रीदा है मैंने कि दीदी ये मेरे को दे दिया करो जब तक आप घर नहीं आते, मेरे को यहाँ पे नज़दीक है ना। और अब मैंने गाय धूनी जाके, और बस फिर मैं घर चली जाऊँगी। ये देखो शाम का टाइम कुछ ऐसा है, और देखो लालिमा अभी अभी है, अभी अभी सूरज जी छिपे हैं, तो यहाँ पे भी है कुछ घास दो तीन, ये ऊपर को है तो ये मैंने लिए हैं नज़दीक नज़दीक ना। और ये ऊपर को भी उसी दीदी का है, पर ये नहीं मैंने लिया है परले वाला, बस यहीं तक लिया है। और ही तो अभी चला बिल्कुल नहीं जा रहा है, लेकिन चलना तो है। अच्छा ठीक है, अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।